तेरा बड़ा नादान है, कलियन की मुस्कान है। हाँ मेरा बड़ा नादान है, कलियन की मुस्कान है। वेलकम स्टीयर गुड। टुडे माय कंटेंट अबाउट्स हिंदी गीत संगीत गिविंग टू इन्फॉर्मेशन ऑफ फिल्म तलाश। दोस्तों आज हम एक ऐसे गीत की चर्चा करेंगे जिसमें मुकेश और मनाडे का वो गीत जिसपे लड़ाई हो गई थी और जिसमें ये जनता के लिए एक बहुत रोमांटिकल चांदनी रात का गीत उस ज़माने में था। दोस्तों तलाश एक ज़माने की एक फिल्म की हम चर्चा करेंगे जिसमें कई कलाकारों ने उस फिल्म के अंदर गीत गाए थे, जिसमें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मनाडे, मुकेश और आशा भोसले, कई ऐसे कलाकारों ने गीत गाए थे। लेकिन दोस्तों इसकी घटना एक जो ज़माने में ये है कि उसके लिए जो गीत संगीत जो उसकी धुनें तैयार करते थे, गीत को तैयार उस ज़माने में SD बर्मन ने किया था। और दोस्तों SD बर्मन उस फिल्म में चाहते थे कि मनाडे गाएं और उनकी फाइट हो गई थी एक डायरेक्टर से। लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आज हम एक नई चर्चा करेंगे जिसमें कई ऐसे गीत थे जो रोमांटिकल्स उस ज़माने की तलाश फिल्म के। दोस्तों उस ज़माने में ओपी रेंस जो उस ज़माने में उसकी स्टोरीज लिख रहे थे और रेंस खुद जो है एक्टिंग उन्होंने की थी और उसके जहन में एक कहानी आ गई थी और फिर उस फिल्म को जो डायरेक्ट कर रहे थे SN रिज़वी और फिर SD बर्मन ने उसका म्यूज़िक तैयार किया और उसके जो गीत उस ज़माने में लिखे वो मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे। और मजरूह उसने जो उस ज़माने में उसके जहन में जो अंतरे आते थे उस कहानी के शब्द, जिसमें दोस्तों उस फिल्म की जो तलाश फिल्म में जो कलाकार थे जिसमें राजेंद्र कुमार, शर्मिला टैगोर और इस तरह नरलाज और कई ऐसे कलाकारों ने इस फिल्म के अंदर गीत गाए। लेकिन दोस्तों जो जिसमें लता मंगेशकर, रफ़ी, मनाडे, मुकेश की आवाज़ थी, लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी ने जो गीत तेरे नैन तलाश करें जैसे गीत उन्होंने लिखे थे, तेरे नैन तलाश करें और इस तरह कई ऐसे शब्द थे। लेकिन दोस्तों SD बर्मन का जो ज़माने में क्योंकि वो म्यूज़िक और सिंगर को समझते थे और उसके मुताबिक उसकी फिट आवाज़ जो गीत संगीत की रचना और गीत संगीत की जो अनुभव को और गीत संगीत की जो लगन को जो गीत संगीत में ऐसे राग लाते थे, लेकिन ये गीत SD बर्मन ने चाह के बिल्कुल फिट है मनाडी की आवाज़ में और अगर किसी और को गीत दिया गया तो गीत के साथ अन्याय नहीं होगी। और जिसमें दोस्तों ये गीत उस ज़माने में SD बर्मन से ये चाहते थे, लेकिन OP रहन्स जो ज़माने में दोस्तों डायरेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ मुकेश को पसंद करते और मुकेश की आवाज़ सुनते थे और वो ये चाहते थे कि मुकेश इसके लिए गाना गाएं। लेकिन दोस्तों SD बर्मन की जिद थी कि ये आवाज़ बिल्कुल मनाडे पर फिट्स है, लेकिन इस पर कई बेस डिस्कशंस हुई और डिस्कशन से उनकी लड़ाई हो गई और दोस्तों फिर कई महीनों तक ये जिद इनकी हो गई और बात किसी एक दूसरे से नहीं करने लगे और फिर दोस्तों बात ना हो सकी। लेकिन बाद में दोस्तों इनको राज़ी किया गया और मनाडे का जो गीत बाद में रखा गया और उस ज़माने में दोस्तों विजय आनंद ने इन दोनों को जो है राज़ी किया और ओपी नैयर्स, ओपी रेंस और इस तरह जो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ भी और गीतों में है, लेकिन मनाडे के गीतों को उस फिल्म में रखा गया जो गीत उसमें थे और मुकेश को हटाया गया और जिसमें गीत थे तेरे नैन तलाश करें जैसे रख, तेरे नैन तलाश करें। दोस्तों ये YouTube पे आप देख सकते हैं, नई रिसर्च है जिसमें गीत संगीत की हम एक नई चर्चा हिंदी गीत संगीत की शब्दों की करेंगे। लेकिन दोस्तों YouTube पे मुकम्मल सुन सकते हैं। लेकिन SD बर्मन उसके बाद जो है जो OP रेंस के साथ उनकी आपस में जो चपकलश रही और फिर बातचीत नहीं करने लगे और ये उनकी
उसके बाद इन दोनों की ये आखिरी फिल्म थी और उनकी आज तक बात नहीं हुई, और फिल्म में जो दोबारा जो उन्होंने काम नहीं किया। और उसके बाद एक ऐसा गीत था इस फिल्म का, इस गीत को तो मनाडे ने गाया और जो सुपर हिट्स तो रहा, लेकिन दोस्तों उस ज़माने में ये गीत जो औसत दर्जे की रही, लेकिन फिल्म में और जो गीत थे जिसमें नेपाली बंगाली भाषाओं में और कई ऐसी भाषाओं में गीत रहे, लेकिन ये एक गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का चंचल शोक गीत था जिसको आज का जी रात में रात माँ अनच अनच जब छनरी रात माँ। दोस्तों रात माँ जो गीत उस जमाने में हिंदी बंगाली शब्द जो इसमें गीत में एक और भाषा में थे, लेकिन इसको हिंदी में इस गीत का जो इस शब्दों का जो मीनिंग्स रही कि चांदनी रात है और चांदनी रात है आ चम चांदनी रात है ऐसा नम आ चांदनी रात में हम बात करें, और चांदनी रात का जो समा खुद फीलिंग सॉन्ग्स थे। लेकिन दोस्तों उस जमाने में ये जो फिल्म का जो गीत हिंदी शब्द में जो थे इसने 1 करोड़ उस जमाने में कमाए थे और ये गीत बहुत अच्छा रहा। लेकिन दोस्तों जो ये गीत उस ज़माने में जो एक किताब है सुन मेरे जो उस ज़माने में बंदोर रे सुन मेरे बंदरोल रे में एक किताब है उसके अंदर भी ये गीत इसकी घटना एक मौजूद है। तो दोस्तों ये एक उस ज़माने की कहानी थी और जिसमें ये गीत मुकेश का गीत जिससे पहले का था उसको हटाकर मनाडे का गीत रख दिया गया, और SD बर्न्स जो उस ज़माने में वो भी रहन के साथ जो उन्होंने खुद घटना एक लिखी थी उससे अलग हो गए थे और इनकी लड़ाई हो गई थी मुकेश और मनाडे के सॉन्ग्स पे, जिसमें तेरे नैन तलाश करें। तो दोस्तों आज की ये घटना थी जो ज़माने की 1 करोड़ की फिल्म थी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक फॉर वॉचिंग।